आए हो? ऐसे थोड़े घूमने गया था। और मास्क भी नहीं पहना तुमने? सैनिटाइजर लिया था या नहीं अपने साथ? नहीं, मैंने कोई सैनिटाइजर भी यूज नहीं किया, मास्क भी नहीं लगाया। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना। हाँ भाई, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारी इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। पर तुम्हें पता है ना कि अगर ये कोरोना अगर हो गया ना एक बार किसी को, तब तो पता है ना कि कितना हार्मफुल एक बीमारी। और मैंने तो तुम्हें ये पूछना ही भूल गई कि तुमने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया? नहीं, तो मैंने तो ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की। क्या होता है ये आरोग्य सेतु ऐप? रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ ये आरोग्य सेतु ऐप होता क्या है और इससे हमें कैसे बहुत हेल्पफुल होगा। पता है, ये हमारे लिए एक हमारी बॉडी गार्ड है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ भाई, तब तो मैं अभी तुम्हें हमारे बॉडीगार्ड से मिलाती हूँ, आई मीन आरोग्य सेतु ऐप से। ये देखो आरोग्य सेतु है। ये देखो, ये आरोग्य सेतु ऐप ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सेफ्टी के लिए बनाया है और यहाँ हमारे सब डाटास ना सिक्योर रहते हैं गवर्नमेंट के पास। और ये यहाँ पे ना हम जो कर सकते हैं थिंग्स टू डू नेक्स्ट, हम जो कर सकते हैं जैसे कि हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं और हम लोग रेगुलरिटी चेक कर सकते हैं ऐप को अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे एसेसिबिलिटी टेस्ट है ना, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लीज नोट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैट विल बी यूज्ड, तुम यहाँ पे देख पाओगे जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ हम देख पाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे पूछा गया है आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, तो मुझे ये सबसे कुछ भी नहीं है तो मैं नन ऑफ द अबव करूंगी। फिर हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो मुझे ये यहाँ से कुछ भी नहीं है तो मैं नन ऑफ द अबव करूंगी। फिर हैव यू ट्रेवल्ड एनीवेयर इंटरनेशनली इन द लास्ट 28 to 45 days, तो मैं कहीं नहीं गई तो इसलिए मैं नो करूंगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू, तो ये दो ऑप्शन से एक भी नहीं तो इसलिए मैं नन ऑफ द अबव करूंगी। फिर वो ये लोग मुझे कंफर्म करेंगे कि मेरी इन्फेक्शन रिस्क जो है ना वो लो है, तो इसी के थ्रू ये मुझे यही दिखाएगा कि मैं सेफ हूं। और एक बात, ये ऐप ब्लूटूथ के थ्रू चलता है या मोबाइल डाटा के थ्रू भी चलता है, लेकिन ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग को मतलब हमारा जो लोकेशन है वो ट्रेस हो पाता है। और यहाँ ना हम हमारे COVID-19 अपडेट्स भी देख सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश में कितने कन्फर्म्ड केसेस है, फिर अक्रॉस इंडिया में कितने कन्फर्म्ड केसेस है, हम देख पा रहे हैं सब कुछ, यहाँ हमें अपडेट्स मिल जाता है। फिर पूरे स्टेट्स, ऑल ओवर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ से भी हमें अपडेट्स मिल जाता है। फिर मेरी स्टेटस, योर स्टेटस, यहाँ जो है ना यहाँ हम अपनी रेडियस फिक्स कर सकते हैं, मतलब हमारी कितनी, हमें कितनी दूरी तक हमारे जानना है कि हमारे यहाँ आसपास कोई COVID-19 पॉजिटिव है या नहीं है। तो ऐसे ही हमें ये ऐप हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड के जैसे रहता है, मतलब कह सकते हो ये हमारे लिए हमारे एक बॉडीगार्ड जैसा ही है। और अभी तुम ये जान गए ना इस ऐप के बारे में, तो अभी जरूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना, क्योंकि अभी तुम एंड्रॉइड फोन अभी हम लोग सब यूज करते हैं, तो हमें खुद की प्रिकॉशंस तो अभी लेनी होगी ना, और ये हमें बहुत मदद करेगा। हाँ हेलो मनीष, तुम आ गए हो चेन्नई से? कब आए? हाँ ठीक है, मैं मिलने आऊंगा। अरे भाई, किसने कॉल किया था तुम्हें? अरे मुझे ना मनीष जो है मेरे दोस्त, वो चेन्नई से आ गया है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, मैं जाकर बताऊंगा। पर भाई, मुझे जितना पता है मनीष तो 2 दिन पहले आया है ना, और चेन्नई से, और उसे तो अभी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है ना, तो वो तुम्हें क्यों बुला? और मुझे तो जितना पता है ऐसे टाइम में तो उसे किसी से भी नहीं मिलने चाहिए, अपने परिवार से भी नहीं, क्या पता अगर उसके बॉडी में कोरोना पॉजिटिव हुआ तो। मैं तुम्हें यही बोलूंगी भाई कि अभी तुम उससे मिलने मत जाओ, फ्रेंडशिप अपने जगह है और बीमारी अपने जगह है। अगर वो ठीक हो गया, अगर उसका नेगेटिव आया, तब तुम उससे मिल लो, जितना मिलना है तब मिल लेना, अभी मत जाओ। भी अगर मैं नहीं गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, वो इतने दिनों बाद आया है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं यूं गया और यूं आया, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ।
मम्मी को बुलाती हूँ। अब अगर मम्मी बोलेगी तुम्हें जाने के लिए तो ही तुम जाने। अभी मम्मी डिसाइड करिए। मम्मी 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 यहाँ आइए तो जरा। हाँ पूजा, क्यों बुला रही थी? देखिए ना मम्मी, भाई का जो फ्रेंड है ना मनीष, जो चेन्नई में पढ़ता है, वो 2-3 दिन पहले आया है चेन्नई से और उसे क्वारंटीन में रखा गया है। और वो अभी भाई को फोन करके उसे बुला रहा है क्वारंटीन सेंटर में मिलने के लिए। अभी आप बोलिए ऐसे में जाना, ऐसे टाइम में जाना क्या भाई के लिए सेफ है? अभी क्यों जाना मनीष से मिलने, वो तो 2 दिन पहले चेन्नई से आया है। वो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं बैठा क्या जो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है? देखो बेटा, ये गलती बिल्कुल मत करना। वो चेन्नई से आया है, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है, उसकी ट्रेन में कितने लोग सफ़र किए होंगे, क्या पता कोई कोविड पेशेंट हुआ होगा, उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट हुआ होगा। तुम अभी उससे मिलने जाओगे, फिर वापस आओगे घर पर, हमसे कॉन्टेक्ट में आओगे, हमें हो जाएगा, आस पड़ोस के इंसान को हो जाएगा, ऐसे करते करते सबको फैल जाएगा। ये चीज़ मजाक करने की बात नहीं है बेटा। देखो अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो जान गंवा बैठोगे, मिल लेना ठीक है बेटा। कोविड से इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं तुम्हें तो पता है, तुम तो नेट चलाते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, न्यूज़ देखते हो, तुम्हें पता है कोविड से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं अभी हमारे देश में। बाहर सब तबाही हो चुका है, अब इंडिया में आ चुका है। और पहले तो सिम्टम दिखाता था, अभी तो एसिम्टोमेटिक हो चुका है, सिम्टम नहीं दिखाता, तो कैसे पता चलेगा किसके शरीर में कोविड है किसके शरीर में नहीं है। तो सब लोग से दूरी बनाए रखना ही अच्छा है अभी अपने हेल्थ के लिए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बेटा। प्रधानमंत्री, हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, सब लोग हमारे पीछे, आम नागरिकों के पीछे ना सारा मेहनत कर रहे हैं ताकि सबकी जान बच जाए, सब इन्फेक्शन से बच जाए। लेकिन अगर तुम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग आम नागरिक ही ये सब करेंगे, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? वो जब इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, साथ देना चाहिए वो लोग का, वो लोग का रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जरूरी कुछ काम हो तो मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके बाहर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्तों से मिलने, वो करने, ये सब करने नहीं जाना चाहिए बेटा। जब सब लोग हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो हम भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें भी समझना चाहिए और उस चीज़ का फॉलो करना चाहिए, इसीलिए समझा करो। इसलिए बेटा जो दीदी कह रही है मान लो, अभी मनीष से मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं, जब वो ठीक होके आ जाएगा तो मिल लेना ठीक है बेटा। जी हाँ आपने सही कहा, मैं तब तो मनीष से मिलने नहीं जाऊंगा। मोबाइल चलाते हो, नेट चलाते हो, इंटरनेट देखते हो, न्यूज देखते हो, पता होगा बॉडीगार्ड के बारे में। मैंने तो अपना बॉडीगार्ड अपने पास रखा है। तुम्हारे फोन में इंस्टॉल है कि नहीं बॉडीगार्ड? आज ये आरोग्य से तो ऐप भी मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कर लूंगा, और मैं हमेशा मास्क भी पहनूंगा, हर हाथ अच्छे से सैनिटाइज भी। मैंने तो अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लिया जो मुझे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगा। आप लोग भी कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। थोड़ी सी सावधानी बरतिए, अपनी हेल्थ की फिक्र कीजिए और रूल्स की फॉलो कीजिए, लॉकडाउन फॉलो कीजिए, हैंड वॉश यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, तभी हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकेंगे। सबका साथ चाहिए बस, स्टे होम स्टे सेफ। इसलिए सभी अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें और आरोग्य सेतु ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें। यह हमारे लिए डॉक्टर की तरह काम करता है, हमें कोरोना से यह लड़ाई जीतनी ही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, लॉकडाउन का फॉलो करें, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क पहनना ना भूलें और हैंड वॉश करते रहिए, और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरी रखा कीजिए, जहां तहां ना थूकिए, उससे कोरोना वायरस फैल सकता। ये हमारे NSS डिग्बोई कॉलेज यूनिट की तरफ से आप सभी को विनती है। NSS डिग्बोई कॉलेज यूनिट की तरफ से आप लोगों के बीच कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमारी एक इस वीडियो की तरफ से छोटी सी प्रयास। हम NSS डिग्बोई कॉलेज यूनिट की तरफ से एक छोटा सा प्रयास आप सबको जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ, हमें इससे लड़ना।